जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडोमेनिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या होने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपका एप्लीकेशन के लिए कोई फी लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। तो इन सभी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह से जॉब अपडेट रेगुलर इस वीडियो पे अपलोड होते रहते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से आया हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ यदि आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 20 to 27 ईयर बताया गया है, जो कि 1 जनवरी 2029 से यह कैलकुलेट होगा। तो यदि आप लोग 20 to 27 ईयर के बीच में आपका एज है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे स्टार्टिंग डेट ये 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 26 मार्च को ये एंड हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कुछ और डिटेल के बारे में, तो जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है वो 56,100 होने वाला है। ये आपका 49 वीक्स का ट्रेनिंग का होगा। यदि इसके बाद जब आप लोग कंफर्म हो जाएगा आपका प्लेस, आपका सीट, तो ये 56,100 ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ और अलाउंस आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये जो अपडेट है ये टोटल 40 वैकेंसी के लिए आया हुआ है। साथ ही साथ इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है और जो जॉब पोस्ट होने वाला है वो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होने वाला है। और यदि इसके अलावा हम लोग कुछ और बात करें, तो जैसे यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे हर एक डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आया हुआ है। जैसे सिविल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस और इससे रिलेटेड जो भी ब्रांच, जो भी इसके अंदर डिग्री होते हैं उसके लिए 9 है, आर्किटेक्चर के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए एक पोस्ट है। तो इस तरह से एक वैकेंसी है। साथ ही साथ जो आपका बेसिक सैलरी होने वाला 56,100 होने वाला, इसके अलावा यहाँ पे एक आप लोगों को चार्ट मिल जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों का रैंक अप होगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होते जाएगी। तो ये कुछ सैलरी के बारे में। इस लिमिट ऑलरेडी बताया जा चुका है, 20 to 27 ईयर के बीच के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल्स। यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप लोग अनमैरिड मेल हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को पता है कि इसमें SSB होता है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद 5 दिन का SSB होगा जो कि डिफरेंट लोकेशन पे होगा, जैसे इलाहाबाद, भोपाल, कर्नाटका, इन सभी चीजों पे आप लोगों का 5 दिन का SSB होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो SSB को क्लियर करेंगे देन आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी यहाँ पे। और यदि आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे हर एक डिटेल काफी अच्छे से समझाया गया है। तो आज का नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से। और यदि आप लोग इंडियन आर्मी से प्यार करते हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इस तरह से और भी अब जॉब अपडेट इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोग भारत माता से प्यार करते हो, इंडियन आर्मी से प्यार करते हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और यदि ऐसे ही अपडेट और आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। और एक बात, इसमें जब आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका अप्लाई फ्री में होगा। यदि आप कैंडिडेट हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं एक ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।